तो दोस्तों खबरों में अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा दोस्तों छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं दोस्तों, इससे कि आपका जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी ईपीएस 92 पेंसरस के बारे में आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपडेट लगेगी ईपीएस 92 पेंसरस न्यूनतम पेंशन 7500, ईपीएस 92 पेंशनर्स हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किन किन ईपीएस 92 पेंशन धारकों को उच्चतम पेंशन का भुगतान किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सभी ईपीएस 92 पेंशन धारकों का स्वागत है। आज की इस पोस्ट में हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किन पेंशन धारकों को उच्चतम पेंशन का भुगतान किया जाएगा और किन पेंशन धारकों को उस पेंशन के भुगतान के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तरफ ईपीएस 92 पेंशन धारक अपनी पेंशन को न्यूनतम 7500 करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ईपीएस 92 पेंशन धारक लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को सरकार द्वारा जल्द से जल्द 7500 किया जाए, पर अभी तक सरकार द्वारा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसकी वजह से पेंशन धारकों को जो मौजूद पेंशन मिल रही है जो कि काफी कम है, कुछ पेंशन धारक जो पेंशन है वह 200 से लेकर 2500 रुपए तक ही मिल रही है और 2500 तक ये जो पेंशन मिलती है, तो ऐसे में पेंशन धारकों को अपना जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो रहा है। मौजूद समय में सरकार द्वारा ईपीएस 92 योजना के तहत 1000 न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की गई है, पर बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे भी है जिनको 1000 से कम पेंशन मिलती है। इसलिए ईपीएस 92 पेंशन धारक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को सरकार द्वारा जल्द से बढ़ाकर 7500 किया जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। दूसरा मामला है कि कुछ ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल की है और इस याचिका के ऊपर जो फैसला आना बाकी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के केरल हाईकोर्ट के फैसले को बेकरार रखते हुए ईपीएस 92 पेंशन धारकों को हायर पेंशन भुगतान का आदेश दिया था। इससे लाखों पेंशन धारकों को उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया था, पर ये जो हायर पेंशन है वह किन को मिलेगी, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे जान लेते हैं कि जिन कर्मचारियों ने उनके सेवाकाल के दौरान ईपीएस 92 योजना में अपने पूरे वेतन यानी बेसिक और डीए का 8.33% अंशदान जमा किया है, ऐसे सभी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको सेवाकाल के दौरान उच्चतम वेतन पर जो हायर पेंशन पाने के लिए पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है तो वे नहीं किया, और ऐसे कर्मचारियों का कहना है था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जब ये प्रावधान दिया गया तो इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण ये विकल्प नहीं चुन सके और वे ये ऑप्शन चुन नहीं सके, पर अभी उनको उनके पूरे वेतन पर हायर पेंशन का भुगतान चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट ने भी इन पेंशन धारकों के हक में फैसला सुनाते हुए उनको पूरे वेतन पर पेंशन भुगतान करने का आदेश ईपीएफओ को दे दिया है। ईपीएफओ को कोर्ट का आदेश मिलाने के बाद ईपीएफओ ने कहा है कि ये जो मामला है वह अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वह आने तक ईपीएस 92 पेंशन धारकों को हायर पेंशन है तो उसका भुगतान रोका गया है, साथ में जो नए एप्लीकेशन है उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि हायर पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को क्या करना होगा। अगर कोई कर्मचारी हायर पेंशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उनको उनके पूरे वेतन पर ईपीएस 92 योजना का पूरा अंशदान देना होगा जो कि बेसिक और डीए को मिलाकर सैलरी होती है, उसका 8.33% मौजूदा समय में कर्मचारियों की तरफ से 12% ईपीएफओ में योगदान दिया जाता है, इतना ही योगदान उसके कर्मचारी द्वारा भी ईपीएफओ में किया जाता है, जिसमें से 8.33% इंप्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में चला जाता है, बाकी बचा हुआ ईपीएफओ में आता है। साथ ही यहां पर मौजूद समय में जो कैंपिंग लिमिट है वह 15,000 सेट की गई है, यानी 15,000 का 8.33% है वह ज्यादा से ज्यादा 1250 रुपये इंप्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है, बाकी बचा हुआ पैसा ईपीएफओ में जमा कर दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान चाहता है तो उसके लिए ईपीएफओ में जो अमाउंट है उसमें से उसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करना होगा जो कि उसके पूरे वेतन पर रहेगा, यानी बेसिक और डीए को मिलाकर आपको 8.33% जो अमाउंट बनेगा तो उसे वह एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा करवाना होगा, तभी आपको जो रिटायर होने के हायर पेंशन का भुगतान होगा। अभी चलिए जान लेते हैं कि जो रिटायर कर्मचारी हो चुके हैं तो उनको उच्चतम वेतन पर उच्चतम पेंशन का भुगतान किस तरह से हो पाएगा। ईपीएफओ को एप्लीकेशन करने के बाद आपको ईपीएफओ द्वारा बताया जाएगा कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में आपने जो आपके पूरे वेतन पर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, केवल जो कैंपिंग लीव में था तो उसके जो बेसिक पर जो आपको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का जो अकाउंट है तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, अगर आपको हायर पेंशन का भुगतान चाहिए तो उसके लिए आपको और आपके पूरे वेतन पर ईपीएस 92 पेंशन योजना में पूरा कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा। इसके लिए आपको ईपीएफओ द्वारा आपको कुछ अमाउंट बताई जाएगी, वह आपको द्वारा जमा करने के बाद जो उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान हो पाएगा।
अब ये जो अमाउंट ईपीएफओ द्वारा बताया जाएगा कि वे क्या होगी इम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 में जब आप सर्विस में थे तब आपने जो कैंपिंग लिमिट थी उसका 8.33% जमा किया था, उसके ऊपर जो आपकी बेसिक सैलरी थी, मान लें कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 8000 थी और कैंपिंग लिमिट 6000 थी और बाकी जो बचा हुआ 2000 यानी 8000 से 6000 निकाल दे तो बचे हुए जो 2000 है तो उसका जो 8.33% रहेगा आपके द्वारा 1995 में जमा करने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और सारी जो फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद जो आपको उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा उसमें आपको जो भी एरियर बनेगा वह भी ईपीएफओ द्वारा दिया जाएगा और साथ में आपकी मंथली पेंशन में जो बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दें यहाँ पर आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहा कि आपको हायर पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि न्यूनतम पेंशन क्या है। अभी न्यूनतम पेंशन की बात करें जो मौजूदा समय में जो 1000 रुपये पेंशन है उसे वे बढ़कर 7500 न्यूनतम पेंशन की मांग कई संगठनों द्वारा की जा रही है। यानी इम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत अगर कोई कर्मचारी रिटायर होते हैं और वहां पर पेंशन का लाभार्थी होता है तो उसे रिटायर होने के बाद कम से कम 7500 पेंशन मिलेगी। अगर सरकार द्वारा ये मांग पूरी की जाती है तब तो आप मान के चलिए कि 1000 रुपये जो मौजूदा पेंशन है उसे बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाने की मांग सरकार के संगठनों द्वारा किया जा रही है। इससे फायदा ये होगा कि आपने जितना भी योगदान किया है तो आपको कोई अंतरिक्ष देने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार द्वारा जो मिनिमम पेंशन घोषित की जाएगी तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपके जो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 7500 के ऊपर पेंशन पाने के लिए जो एलिजिबल होते हैं तो आपको 7500 से ज़्यादा पेंशन भी मिल सकती है। पर जो भी रिटायर कर्मचारी होंगे या फिर रिटायर हो चुके हैं तो ऐसे कर्मचारियों को सरकार द्वारा जो मांग है वे पूरी होती है तो कम से कम 7500 पेंशन तो मिलती ही होगी और मिलेगी। साथ में पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन के साथ मेडिकल सुविधा देने की मांग की जा रही है क्योंकि जो मौजूदा समय में जो पेंशन मिल रही है उसमें पेंशन धारक और उनके पति या पत्नी को जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है, इसलिए जो मेडिकल सुविधा है उसे भी देने की मांग की जा रही है। आज की इस पोस्ट में हमने आपको हायर पेंशन क्या है, न्यूनतम पेंशन क्या है, इसी के बारे में जाना। इस पोस्ट में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को आप सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी के बारे में सभी पेंशन धारकों को पता चल सके। इसी के साथ जय हिंद जय भारत आपका।